हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज मैं फिर आपके लिए किचन से संबंधित कुछ ऐसी छोटी छोटी टिप्स लेकर आई हूँ, जिनको अगर आप फॉलो करेंगे तो ये आपके समय के साथ साथ आपके पैसे की भी बचत करेंगी और आपके काम को और भी आसान बना देगी। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे और थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ इसे ज़रूर लाइक कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक करना ना भूलिएगा। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करती हूँ अपनी पहली टिप से। चलिए दोस्तों, मेरी टिप है कि जब भी हम कोई अपनी करी बनाते हैं तो हम ये देखते हैं कि उसका टेस्ट बाजार जैसा या रेस्टोरेंट जैसा नहीं आता है। उसका टेस्ट वैसा नहीं आता, उसका मेन कारण एक ये है कि उसमें इस्तेमाल किए जाने वाले टमाटर किस वेराइटी के हैं। दोस्तों, आज मैं आपको टमाटर के बारे में बताऊंगी कि रेस्टोरेंट की जो ग्रेवी होती है, बनती है, उसमें किस टाइप के टमाटर यूज होते हैं। दोस्तों, मार्केट में आपको दो टाइप के टमाटर दिखेंगे, एक इस टाइप के गोल और एक इस टाइप के जो थोड़े से अंडाकार शेप में कह दीजिए या थोड़े लंबाई में इस तरीके से मिलेंगे। इन दोनों के में अंतर आपको इतना मिलेगा कि इस टाइप के जो टमाटर हैं गोल, इसका जो छिलका आपको पतला मिलेगा और इसका छिलका आपको जो है थोड़ा सा मोटा मिलेगा। और इसके अंदर जो है, जो इसका अंदर से इसकी जो पल्प निकलता है वो खाने में काफी खट्टा होता है, और इसका जो पल्प निकलता है वो खाने में इतना खट्टा नहीं होता है। बेसिकली ये टमाटर जो है हम सलाद के लिए यूज करते हैं, और ये वाले टमाटर जो है जिसके अंदर रस ज्यादा होता है और खट्टा होता है, ये हम बेसिकली करी के लिए अपना यूज करते हैं। और सबसे मेन डिफरेंस दोस्तों इस टमाटर का एक ये है कि जब हम इस टमाटर को काटते हैं तो ये इतना इजीली नहीं कट पाता है। आप ये देखेंगे, इसको काटने के लिए हमें थोड़ा सा प्रेशर देने की जरूरत पड़ती है। ये थोड़ा सा टाइट है इसलिए थोड़ा सा आसानी से कट गया, नहीं तो ये आसानी से, अगर ढीला होता है तो आसानी से कट नहीं पाता। जबकि इस वाले टमाटर को आप देखेंगे, बहुत ही आसानी से आप देखेंगे ये हम इसको काट पाते हैं। ये देखिए दोस्तों, मैंने ग्रेवी में जो हमारे गोल वाले टमाटर थे उस टमाटर का यूज़ किया है। इनका छिलका पतला होता है, आप देख सकते हैं इजीली मैश हो चुके हैं। अगर हम दूसरे वाले का इस्तेमाल करते तो उसका छिलका मोटा होता है, वो इजीली मैश नहीं हो पाते हैं। आप देख सकते हैं मेरी ग्रेवी कितनी थिक हो चुकी है इन गोल वाले टमाटरों का इस्तेमाल करके। जब भी हम टमाटर जो है काटते हैं तो मोस्टली हम इस वाले चाकू का, जो फ्लैट वाला नाइफ होता है, उसका यूज करते हैं। तो इससे जो है हमें टमाटर काटने में, ये देखिए आप, दिक्कत महसूस होती है। अगर हम इसकी जगह इस तरीके से ये जिगजैग वाला नाइफ यूज करते हैं तो हमारा टमाटर इजीली कट जाता है। देखिए, मैं आपको काट के दिखाती हूँ। चलिए दोस्तों, मेरी अगली टिप है कि हम जैसे लहसुन लेकर आते हैं उसको बाजार से छीलते हैं तो हमें उसको छीलने में मोस्टली दिक्कत महसूस होती है। देखिए, मैं आपको दिखा रही हूँ, क्योंकि इसको हम छीलते हैं तो ये इसमें से जो पानी निकलता है या जो रस निकलता है वो हमारे हाथों को चिपक जाता है, और इस तरीके से हमें छीलने में दिक्कत आती है। तो इस समस्या को दूर करने के लिए मेरे पास एक टिप है जो मैं आपको बताती हूँ। तो उसको आप क्या करें, पहले उसको आप इस तरीके से लेकर आए हैं, उसको आप अलग कर लें। कैसे मैंने पूरी उसकी गड्डी को अलग कर लिया है, कलियों में अलग कर। अब हम एक पैन गरम करेंगे, उसमें ये सारी कलियां डाल देंगे और उसको थोड़ा सा हम भून लेंगे, थोड़ा सा रोस्ट कर लेंगे। इसको हम तब तक रोस्ट करेंगे कि जब तक कि ये इसका थोड़ा सा कलर चेंज ना हो जाए या इसका कच्चा पन्ना दूर हो जाए। अब आप देख सकते हैं कि मैंने इसको रोस्ट कर लिया है, धीरे धीरे कुछ कलियों का छिलका भी अपने आप अलग होना शुरू हो गया है। बस हमें इतना ही रोस्ट करना है, इसके बाद हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसको हम एक प्लेट में निकाल लेंगे और थोड़ी देर के लिए इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। देखिए, अब ये मैंने ठंडे होने के लिए रखे थे, ठंडे हो गए हैं। अब इसको हम अपनी हथेली से इस तरीके से थोड़ा सा रगड़ देंगे
थोड़े थोड़े छिलके इसके अलग हो रहे हैं। और अब मैं आपको इसको छिलके दिखाती हूँ कि आसानी से भी देखिए आराम से छिले जा रहे हैं। आप देख सकते हैं कितनी आसानी से ये छिल गया। मैं अभी आपको दूसरा भी छील कर दिखाती हूँ। ये देखिए कितनी आसानी से इसके छिलके उतर रहे हैं। एक तो इसका दोस्तों फायदा है कि ये आसानी से छिले जाते हैं। दूसरा इसका मैं फायदा बताती हूँ कि बाई चांस जैसे आप कोई सब्जी बनाते हैं या कोई चटनी बनाते हैं उसमें अगर आप कच्चा लहसुन छील कर डालते हैं तो उसमें कच्चेपन की जो है लहसुन की टेस्ट भी आता है और स्मेल भी आती है। तो अगर आप इस तरीके से इसको रोस्ट करके डालेंगे तो एक तो ये प्रिजर्व भी रहेंगे और दूसरा जो है कि आपकी सब्जी में या चटनी में कच्चेपन टेस्ट या स्मेल नहीं आएगी। जब भी हमें स्वीटिश बनाने के लिए छुहारों की जरूरत होती है तो हम इसको चाकू से छीलते हैं। तो आप देख सकते हैं कितनी दिक्कत आती है हमें चाकू से छीलने में, इसको काटने में और इसके बीज को बाहर निकालने के लिए। इसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बताने जा रही हूँ जिससे कि इसका बीज निकालना और इसको छीलना बहुत ही आसान हो जाएगा। इस तरीके से छुहारे लेंगे और इस तरीके से कूट लेंगे। आप देख सकते हैं कूटने के बाद जो है इसके बीज अपने आप से बाहर आ गए हैं, कितने इजीली बाहर आ गए हैं। ये देख सकते हैं अब हम इनको आसानी से चाकू की मदद से काट सकते हैं। आप देख सकते हैं मेरी अगली टिप है बैंगन को भूनने से लेके। जब भी हम बैंगन को भूनते हैं भरते के लिए तो क्या होता है उससे हमारा गैस जो है ज़्यादातर ख़राब हो जाता है। तो उसके लिए मैं आपको एक टिप बताने वाली हूँ। उसके लिए आप क्या करें, जिस तरीके से मैंने ये फॉयल पेपर से अपने गैस को कवर कर रखा है इस तरीके से आप अपने गैस को कवर कर लें फॉयल पेपर से और इसके बीच में भी इस तरीके से फॉयल पेपर लगा दें। ये मैं अभी आपको काट के दिखाऊँगी किस तरीके से काटना है। इस तरीके से काट के आप गैस जलाएँ। गैस चला के स्टैंड पे मैं बैंगन भून रही हूँ। मैंने इसके ऊपर थोड़ा सा तेल लगा लिया है। इस तरीके से रख के हम बैंगन को भूलेंगे क्योंकि ऐसा होता है जब भी हम बैंगन भूलते हैं तो इसका जो है पानी निकलना शुरू होता है, उससे जो हमारा सारा गैस ख़राब हो जाता है और इसके नीचे का बेस भी सारा ख़राब हो जाता है। तो इस तरीके से आप करेंगे तो आपका बैंगन भी भून जाएगा और आपका नीचे से भी गैस ख़राब नहीं होगा। देखिए इसका पानी गिर रहा है, वो इसका पानी जो है फॉयल पेपर के ऊपर गिर रहा है और वो नीचे नहीं जा रहा है जिससे कि हमारा नीचे गैस ख़राब नहीं हो रहा। जैसे ही आपका बैंगन भुन जाए उसके बाद तुरंत आप इसको ठंडे पानी में डाल दें। जिस तरीके से मैंने एक बाउल में पानी लिया है और इसको डाल दिया है। इसको डालने का एक फ़ायदा ये होता है कि जब ये ठंडा हो जाता है तो आप इसके इसको छीलेंगे तो इसको छीलना जो है आपके लिए बहुत ही इजी हो जाएगा। ये देखिए बैंगन अब ठंडा हो चुका है। मैं अब आपको इसको छील के दिखाती हूँ। देख सकते हैं इसके छिलके कितने ईजीली उतर रहे हैं। बिल्कुल साफ़ सुथरे तरीके से उतर रहे हैं। आप देखेंगे छिलके में बैंगन का आपको कोई भी पार्ट बिल्कुल भी दिखाई नहीं देगा, पूरे छिलके ही हाथ में आ रहे हैं।